व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक काफी दुखद डे के साथ में, जो कि नॉर्मली में सोसाइटी में कई जगह आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा। कई तरीके से लोगों को टॉर्चर किया जाता है, कई बार इमोशनली आप लोगों को देखने को मिलेगा टॉर्चर यहाँ पर, कई फिजिकली, और कई बार आप लोगों को इकोनॉमिकली भी टॉर्चर यहाँ पर देखने को मिलती है चीजें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल डे यहाँ पर जो ऐसे विक्टिम है जो टॉर्चर का शिकार हुए हैं उनके ऊपर ध्यान देने की बात करते हैं। और 26 जून को हर साल यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। देखिए, ह्यूमन का जो टॉर्चर होता है एक तरीके से, जिस तरीके से जानवर को टॉर्चर किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे अगर देखे आप लोगों ने घोड़े तांगे देखे होंगे, या फिर गांव में जैसे बैलगाड़ी वगैरह या झोटा बुग्गी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो ये क्या करते हैं कई बार, इनको कई सारे लोग तो उनको अच्छे से रखते हैं जैसे फैमिली का ही पार्ट है, पर लेकिन कई सारे लोग उनको काफी टॉर्चर भी करते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो जानवरों तक तो एक बार को देखने को मिलती है। अब इंसान भी उसी कैटेगरी में आते जा रहे हैं, क्योंकि जब से यहाँ पर इतने लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है और जितने लोग ज्यादा प्रोफेशनल होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा अपनापन यहाँ पर खत्म होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से कन्वर्ट होता जा रहा है टॉर्चर में, और ये इंडिया की नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। जरा सी देर में लड़ाई होती बहुत सारे बेगुनाह बच्चों को, और पता नहीं बहुत सारी ऐसी वुमेन को जो कि जिसका कोई रिलेशन भी नहीं होता है, जरा सी देर में बॉम्बार्डमेंट करके उनको मार दिया जाता है। तो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल डे इसके सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो विक्टिम है टॉर्चर के उन पर ध्यान दिया जा सके, 26 जून 1997 में इसको स्टार्ट किया गया था। मेन एम जो था वो टोटली यही था कि एक तरीके से टॉर्चर को खत्म करना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है। अगर आप लोग नॉर्मली देखेंगे, एक इंसानियत के नाते ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, मेंटली टॉर्चर किया जाता है इस तरीके से एक पर्सन को, और कई बार ये सारी चीजें जो है इंसान को इस लेवल तक पहुंचा देती है कि फ्यूचर में चल के वो इंसान सुसाइड तक कर लेता है। तो ये सारी चीजें रोकनी पड़ेगी, क्योंकि एनिमी ऑफ ऑल काइंड यहां पर टॉर्चर जो भी रिलेटेड है यहां पर, ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं दुश्मन है इंसानियत के, इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो इनको सबको सिविल सोसाइटी का पार्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, ये टॉर्चर जो है ना तो कभी सहन करना है और ना ही कभी ये सोसाइटी में होना चाहिए। तो स्टॉप टॉर्चर यहां पर फोकस देखने की बात की जा रही है। तो कभी भी देखिए, किसी को भी अगर ऐसी कंडीशन में आप लोग पाते हैं, किसी को टॉर्चर किया जा रहा है और वो आप लोगों का दोस्त है, तो कोशिश कीजिए उससे बात कीजिए और उस माहौल से उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, वरना कई सारे लोग इस तरीके दोस्तों को खो बैठते हैं अगर ये कंडीशन लंबे समय तक चल पाती है। सोसाइटल टॉर्चर भी आज बहुत बहुत बड़ा टॉर्चर हो चुका है। जॉब नहीं मिल रही है, हर एक इंसान ये पूछेगा क्या कर रहे हो, तुमको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। एक तरीके से उन्हें दिल की खुशी लेता है इंसान ये पूछकर क्या कर रहे हो, जब पता चल जाएगा, जब कुछ कर लेंगे भैया ये क्या मतलब है क्या कर रहे हो, तो रिश्तेदार में कहीं जाओगे क्या कर रहे हो, अगर कुछ हो गया हो तो आपको पता ही चल जाता ना, फिर तो नहीं पूछते भैया क्या कर रहे हो। तो ये जो एक तरीके का मेंटल टॉर्चर यहाँ पर जो आज के डेट में जो विद्यार्थी है उनको भी देखने को मिलता है। तो कोशिश करो इन सब चीजों को इग्नोर करो लाइफ में, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों को इनसे रिलेटेड और भी देखने को मिलेंगी अगर आप लोग इनको इग्नोर नहीं करोगे। तो अपनी पढ़ाई फोकस नहीं कर पाओगे, हेल्थ आप लोगों की अच्छी नहीं रहेगी, फालतू में डिप्रेशन में टेंशन में रहोगे, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। ये आप लोगों के सामने है, यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताया जाएगा, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में हमारे संविधान का, वो कौन सा आर्टिकल है जो कि बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस देने के लिए होनी चाहिए प्रेसिडेंट को, यानी कि प्रेसिडेंट को सलाह मशवरा करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो भी काम हमारी कंट्री में होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही किया जाता है। सेकंड जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें बोला जाए इंटरनेशनल कोविनेंट ये ऑन सिविल एंड द पॉलिटिकल राइट ICCPR के बारे में, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो अडॉप्ट की जाती है यूएन जनरल असेंबली के द्वारा, यूएनजीए के द्वारा अडॉप्ट की गई थी, और यहाँ पर इसको मॉनिटर कौन करता है ये आप लोगों को बताना है। श्रीलंका में अभी माइनॉरिटी के खिलाफ जो कुछ बोलने के लिए मीडिया पर यहाँ पर रोक लगाई गई थी उसके चलते ये काफी न्यूज में थी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन से राज्य के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया है कि यहाँ पर जो गोदावरी मैंग्रोव्स, ठीक है, ये एक तरीके दलदली फॉरेस्ट या फिर सदाबहार फॉरेस्ट आप लोग इनको बोल सकते हैं, ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट बनाने की बात की जा रही है। बोन चैलेंज, बोन है एक सिटी जर्मनी के अंदर में, यहां पर 150 मिलियन यहां पर बोला गया था 150 मिलियन जो हेक्टेयर जमीन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो जो आज के डेट में कहीं ना कहीं जिसपे से फॉरेस्ट काट चुके हैं और जो डिग्रेड हो चुकी है लैंड, उसको फिर से रिस्टोर करना है 2020 तक 150 मिलियन लैंड, बाकी 350 मिलियन जो हेक्टेयर है उसका टारगेट कब तक है ये आप लोगों को बताना है। सेवंथ पे कमीशन के द्वारा यहां पर जो बात की गई थी कि फिर से रिस्टोर करना है राशन इन काइंड, यानी कि अगर आज के डेट में हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं उनको पहले पैसा देने की बात होने लगी थी कि पैसा दो अपने आप खरीद लेंगे, पर फिर से राशन की बात की जा रही है, तो ये कब से हम लोग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, और यहां पर ये जो कौन से कमीशन के द्वारा यहां पर ये बोला गया, ठीक है ना, कौन से नंबर का कमीशन है ये आप लोगों को बताना है, इसके बारे में भी आप लोग से बात करूंगा अभी। ये क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोगों को बताना है। अभी आगे बढ़ते हैं, आंसर देखते हैं क्या क्या आंसर है। ये है आर्टिकल 74 हमारे संविधान में जो बोलता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देने के लिए
लिए यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए। ICCPR ये यहाँ पर किसके अंडर में मॉनिटर की जाती है, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिटी के अंडर में मॉनिटर यहाँ पर की जाती है। आंध्र प्रदेश आ रहा है यहाँ पर जो गोदावरी मैंग्रोव्स यहाँ पर ये कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट बना लिया जाए। बोन जो कि जर्मनी की एक सिटी है यहां पर बोला गया था कि ये जो मुद्दा होना चाहिए 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड आप लोगों को फिर से रिस्टोर करनी है 2020 तक और 350 जो मिलियन हेक्टेयर लैंड है ये आप लोगों को 2030 तक फिर से रिस्टोर करनी है, तो इसके बारे में याद रखिए। सेवंथ पे कमीशन आप लोगों ने सुना होगा, इनके जो चेयरमैन थे AK माथुर साहब थे, काफी अच्छी अच्छी कई सारी रिकमेंडेशन दी गई थी। ये हमारी कंट्री में 1983 से फॉलो किया जा रहा है कि किस तरीके से राशन मिलना चाहिए जो भी जवान होते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उनको राशन देने की बात की जा रही है, बीच में पैसा देना स्टार्ट कर दिया गया था 2017 से, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के बारे में और काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, ऐसी न्यूज कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रहा है लिब्रा के बारे में, फेसबुक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च की जानी है 2020 में जिसका नाम इसके द्वारा लिब्रा रखा गया है। बेसिक जो यहाँ पर फंडा है कि किस तरीके से ज्यादा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो उस पर फोकस दिया जा रहा है, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज नहीं करते हैं वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करें। ये जो लिब्रा है ग्लोबल करेंसी के तौर पर यहाँ पर इसको यूज करना है, एक तरह से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसके द्वारा जो क्रिएट की जा रही है ये सारा काम फेसबुक यहाँ पर कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी जिस तरीके से एक सिक्योर करेंसी यहाँ पर यूज करती है बिटकॉइन वगैरह या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पर यूज की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसी के पैटर्न पर ये वाली करेंसी भी यहाँ पर यूज की जाएगी। यानी कि इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो ये एक सिक्योर मीडियम रहेगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर इसको किसी भी तरीके से इंटरप्ट कर पाएगा। बाकी ये माना जा रहा है कि लगभग 1.7 जो बिलियन आज के में जो लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड उनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है, तो जिनके पास में बैंक अकाउंट नहीं है ताकि वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सके आसानी से और इस चीज को एंजॉय कर सके ये फेसबुक का मानना है। इसी के चलते यहां पर ये एक इस तरीके की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है जो कि स्मार्टफोन में आप लोग आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेंजर में, व्हाट्सएप में या फिर कोई स्टैंड अलोन कोई अलग ऐप है उसमें भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जो यहां पर काम करने के लिए है इसके लिए है लिब्रा एसोसिएशन, ये एक इंडिपेंडेंट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में बेस है, तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों से बन जाता है। पहला किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, फेसबुक के द्वारा करेंसी है लिब्रा, एक डिजिटल करेंसी है। दूसरा यहां पर जो लिब्रा एसोसिएशन है ये इसको पूरा टैकल करके चलेगी और जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। बाकी आगे बढ़ते हैं कुछ और बातें इसके बारे में, कुछ बातें जो है ये यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर देखिए जिस तरीके से एक स्टेबल कॉइन होता है उस तरीके से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे डॉलर वगैरह हो गया, यूरो हो गया, यूरोपियन यूनियन की करेंसी, और लॉन्च की जानी है ये 2020 में। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं एक तो वो लोगों को फोकस दिया जा रहा है जो कि यहां पर आज के दिन में अकाउंट वगैरह नहीं है और एक ट्रस्टेड सोर्स इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों को बताया फेसबुक के ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे डेटा चोरी के, बहुत सारे लोग इससे ब्रेकअप कर रहे हैं आज के दिन फेसबुक से, तो प्राइवेसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए अब देखने वाली बात यह है कि इसको कैसे लेकर चलेंगे करेंसी को, क्योंकि करेंसी जो है आज की डेट में यहाँ पर अगर ये ढंग से पिक्चर में आ पाती है तो सही रहेगा, वरना पता चला बहुत सारे लोगों का डेटा चोरी हो रहा है फिर एक अलग से प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ जाती है, तो इसके बारे में याद रखते हैं। फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिचुएटेड है, फाउंड किया गया था 2004 में इसको, मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर है, कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रख सकते हैं। आज के डेट में जो आप लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह या व्हाट्सएप वगैरह ये भी फेसबुक का पार्ट है, क्योंकि फेसबुक इनको खरीद चुका है ऑलरेडी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीका डिजिटल करेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि आराम से अगर आप लोग यूज करते हैं तो एक फाइनेंशियल आसानी से ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हैं, कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं यहां पर, ये एक तरीके से एक वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आप लोग एक तरीके से देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आकर आप लोग कुछ भी चुरा कर ले जाएगा, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में बात कर रहा है, तो ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये एक तरीके यहां पर ये कंपनी है जो कि यहां पर ये रैंक प्रोवाइड कराती है। इसमें सबसे ऊपर जो रैंक दी गई है ये है Massachusetts इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT जो है यहां पर ये है कहां पर, ये है USA में। MIT की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी कंट्री में जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं लोकल उनकी बात नहीं की जा रही है, ये USA का जो MIT है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री में जो टॉप किया गया है वो IIT बॉम्बे के द्वारा टॉप किया गया है। ये टोटल जो रैंक निकालता है 1000 टोटल यूनिवर्सिटी पर ये रैंक निकालता है और इसके बेस पर यहां पर तैयार करता है फिर डेटा। ऐसा नहीं है कि ये बस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ही निकालता है और 48 डिफरेंट सब्जेक्ट में भी काम करता है, 5 डिफरेंट कंपोजिट फैकल्टी एरियाज के अलग जिसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि और भी कई सारे काम यहां पर करता है। 8वीं बार यहां पर MIT जो है ये टॉप पर है लगातार,
और 23 यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री की 1000 में है। इसी के साथ में अगर बात करें तो देखिए हमारी कंट्री में जो अगर 500 की बात करें तो टोटल 23 में से 9 ऐसी है जो 500 के अंडर में आती है, ठीक है, जिसमें 7 के साथ IIT इंक्लूड है जो कि काफी अच्छे स्टैंडर्ड के हमारी कंट्री में माने जाते हैं। तो देखिए अब देखने वाली बात है कि अंडर 100 में हम लोग कितने अपनी ये रैंकिंग ला पाते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी। IIT बॉम्बे जो है यहाँ पर ये दूसरे साल भी यहाँ पर टॉप पर रहा है, ग्लोबली जो रैंक है इसकी वो 152 है, यानी कि अंडर 100 में हमारा एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है, एक टाइम पर हुआ करता था नालंदा यूनिवर्सिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी यूनिवर्सिटी थी, लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, पर आज के में टॉप 100 में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंसल्ट की बात भी आप लोग बोल सकते हैं कि कैसा हो चुका है हमारा आज के में एजुकेशन सिस्टम। अगर बात करें यहाँ पर IIC के बारे में तो वर्ल्ड में सेकंड बेस्ट स्कोर यहाँ पर रिसर्च के इंपैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च सिटी में मोर देन 100,000 टाइम 5 ईयर पीरियड में यहाँ पर देखने को मिला। मणिपाल अकेडमी की अगर बात करें तो 700 से लेकर लगभग 750 की रैंकिंग में बीच में आप लोगों को यहाँ पर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है। एक बार नजर आप लोग डाल लीजिए, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली, IIC बेंगलोर, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, यूनिवर्सिटी दिल्ली, IIT गुवाहाटी, तो ये टॉप IITs हैं जो यहां पर आप लोगों को रैंकिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो किसी की रैंकिंग बढ़ी है ये यहां पर इसकी चेंज नहीं हुई है, यहां पर जो IIT बॉम्बे की यहां पर चेंज हो गई है, इसी के साथ में यहां पर IIC बेंगलोर की घट गई है, ये आप लोग देखते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग ये है इनकी जो कि आप लोगों को कोई भी अंडर 100 देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। तो ये जो है QS वर्ल्ड क्वालकम रैंकिंग, तो यहां पर ये एक तरीके की क्वालकम सिंबल जो यहां पर लिमिटेड है, ये हायर एजुकेशन की कैटेगरी में इसको देखने को मिलता है और ये यहां पर रैंकिंग प्रोवाइड कराती है, ठीक है। फर्स्ट इशू किया गया था इसके द्वारा ये रैंकिंग 2004 में। ओके आइए अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर राज्य की न्यूज के बारे में। तो जो स्टेट की यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है ये यहाँ पर बात की जा रही है, हाथी जो होते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रोथेरेपी करके यहाँ पर है, यानी कि हाथी को इसके अंदर डाल दिया जाएगा और जो पानी होगा यहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर इलाज किया जाएगा, गर्म करना है या फिर ठंडा करना है, जो भी पानी रहेगा उसके बेस पर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये ऐसी फैसिलिटी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखने को मिलती है। मथुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये हेमामाली जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफी लंबे समय से वो यहाँ पर है, तो इसके बारे भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो यहां पर ये जो है यहां पर ये हाइड्रोथेरेपी अगर कोई जॉइंट पेन होता है, फुट में कोई ये यहां पर ये एलिमेंट कोई ऐसा होता है या फिर अर्थराइटिस होता है, ये जो भी प्रॉब्लम से यहां पर हाथी जूझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो कहां पर है ये सेंटर? मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, और ये अपने ही तरीके का एक ऐसा सेंटर है जिसमें हाइड्रोथेरेपी यूज की जाएगी हाथियों को ठीक करने के लिए। बाकी अगर बात करें तो यहां पर ये यमुना रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहां पर बनाया गया, कौन सी रिवर के पास में है, तो ये यमुना रिवर के पास में है। इसी के साथ में यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ SOS एलिफेंट कंजर्वेशन एंड द जो केयर सेंटर है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देकर चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीजें हैंडल करनी है। इसके चलते यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो NGO है ये दोनों मिलकर कोलैबोरेशन में यहाँ पर काम कर रही है और जो भी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है हाइड्रोथेरेपी के थ्रू। तो हाइड्रोथेरेपी जो है यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये एलिफेंट यहाँ पर बैठा रखा है, तो इस तरीके से ये हाई प्रेशर के थ्रू स्प्रे किया जाता है कई बार यहाँ पर अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके का एक पैटर्न यहां पर अपनाया जाता है, बेसिकली ये होता है किस तरीके से बॉडी को रिलैक्स करना है, जहां पर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। हॉस्पिटल अगर देखा जाए 2018 में ऑलरेडी ऑफर करता है यहाँ पर ये इस तरीके की स्टेट ऑफ आर्ट जो फैसिलिटीज है, खासकर वायरलेस डिजिटल एक्सरे भी यहाँ पर होता है, पर लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है यहाँ पर ये एक तरीके से नेचुरल आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर कोई एक्सरे वेक्सरे की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये एक अपने ही तरीके की चीजें यहाँ पर स्टार्ट की गई है, तो हल्का सा आइडिया के बारे में रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ SOS के बारे में अगर बात करें, स्टेब्लिश किया गया था इसको 1995 में, ये जो हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है और 1995 में स्टेब्लिश किया गया था, और बाकी कार्तिक सत्यनारायण और गीता ये यहाँ पर दो इसके फाउंडर हैं जिनके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में सोचा गया कि अगर कोई डिस्ट्रेस होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है वाइल्ड लाइफ के अंदर उसको कैसे हैंडल करके चलना है, तो ये इसका बेसिक फोकस था, ठीक है। तो आइडियाज के बारे में रख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट के बारे में, तो जापान में आप लोगों को पता है रिसेंटली अभी यहाँ पर ओलंपिक होने वाला है 2020 में, जिसको आप लोग टोक्यो ओलंपिक बोलते हैं। टोक्यो ओलंपिक यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि ये समर में होंगे, समर ओलंपिक है यहाँ पर, और यहाँ पर अराउंड जो माना जा रहा है कि 20 यहाँ पर 37 डिग्री के करीब यहाँ पर जो बॉडी टेम्परेचर इंसान का है, तो कंसर्न ये है कि ये लगभग 40 डिग्री तक इंक्रीज हो सकता है, और टोटल 33 यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पर टेम्परेचर इसका देखने को मिलेगा। यानी कि मान लीजिए एक इंसान आराम से बैठा है तो 33 डिग्री टेम्परेचर उसका है, पर लेकिन अगर यहाँ पर वो काम करता है, दौड़ता है, भागता है, मेहनत करता है, तो ये और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी और ब्रेन भी ढंग से फंक्शन नहीं करेगा, और एक गेम ऐसी चीज है जहां पर शानदार तरीके से आप लोगों को फोकस देना पड़ता है। शूटिंग की बात कर लीजिए और भी कई सारे गेम, जैसे आप लोग फोकस नहीं देंगे तो फिर आप लोग नहीं
चीजों को हैंडल कर पाएंगे। तो कूलिंग वेस्ट ये यहाँ पर एक तरीके से आइस पैकेजिंग फीचर है यहाँ पर, जो कि कूलर में यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से जो गर्दन है उसको ठंडा करेगा, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि जो खेलने वाले हैं, जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। इस तरीके से यहाँ पर इसका बेसिक पर्पज है यहाँ पर, ताकि एक तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस उनकी निकल कर आए। तो ये यहाँ पर टोक्यो जो जापान में है, यहाँ पर ये इसके द्वारा जो रिसर्चर है यहाँ पर हिरोशिमा यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहां पर ये बात करिए इंडिया ग्रे वुल्फ के बारे में। इंडिया ग्रे वुल्फ की अगर बात करें तो आप लोग यहां पर पहले इसको पिक्चर में एक बार देख लीजिए। ये है यहां पर इंडियन ग्रे वुल्फ। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, बेसिकली ये यहां पर फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ जो अभी बांग्लादेश में देखा गया था लगभग 8 डिकेड, यानी कि लगभग 80 साल बाद, ये यहां पर अभी मार दिया गया है। मार दिया गया किसानों के द्वारा, क्योंकि उनके लाइव स्टॉक यानी कि उनके जानवरों को ये खा रहा था, और इसी के साथ में काफी प्रॉब्लम फेस वहां पर उनको करनी पड़ रही थी। लास्ट जो यहां पर ये इस तरीके से देखा गया था, ये बांग्लादेश में 1949 में इसको देखा गया था, और अकॉर्डिंग टू अगर बात करें, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसके द्वारा यहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो वुल्फ है जिनको आप लोग भेड़िया बोलते हैं, आप लोगों ने कई सारी इनकी कहानी भी सुनी होगी कि हाँ भेड़िया आया इस तरीके से, ये आप लोगों ने कई बार इसके बारे में पास्ट में सुना होगा, पर लेकिन आज के डेट में ये दिखते नहीं है क्योंकि ये काफी लार्ज स्केल पर खत्म हो चुके हैं। वैसे अगर आप लोग इनकी पिक्चर देखेंगे तो थोड़ा कुत्ता टाइप के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि कुत्ते की हाइट के आप लोग इनको बोल सकते हैं। कैनिस लुपस पाल्पीज, ये यहां पर इसका साइंटिफिक नेम है अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्योंकि ये न्यूज में है रिसेंटली। तो जो यहां पर ये सब स्पीसीज है ग्रे वुल्फ की, और ये बेसिकली जो यहां पर जो इंटरमीडिएट जो साइज है यहां पर, ये तिब्बतन और जो अरेबियन वुल्फ है, इस तरीके से आप लोग इनको देख सकते हैं। और ये विंटर कोटेड, यहां पर लग्जरियंट विंटर कोटेड जो रहते हैं, बेसिकली वार्मर कंडीशन में रहते हैं। आप लोग अगर देखेंगे बांग्लादेश की लोकेशन, तो ये हमारी कंट्री के अंदर ही आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलता है। एक बार मैप में आप लोग निहार लीजिए, ये यहां पर ये वाले मैप में देखिए, ये यहां पर देखिए बांग्लादेश, ठीक है ना। तो यहां पर जो हमारी ये आप लोगों को देखने को मिल रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से होकर गुजरती है। तो अच्छी खासी गर्मी यहां पर देखने को मिलती है, जहां पर ये आप लोगों को ये कंडीशन इस तरीके की इनके लिए फायदेमंद है, ये जो भेड़िया वगैरह यहां पर पाए जाते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट यहां पर बात की जाए, सेमी एरिड और एरिड एरिया यहां पर इनका रहने का एरिया है, जो कि हमारी कंट्री और आसपास वाला एरिया काफी कंफर्टेबल है इनके लिए। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर इसराइल तक यहां पर लगभग 3000 के करीब यहां पर इस तरीके से एनिमल आप लोगों को कैप्टिव देखने को मिलते हैं। और बाकी अगर बात करें नॉर्थ और वेस्ट जो बांग्लादेश है, वहां पे भी यहां से डिसअपीयर हो चुके हैं 1940s में। तो इसीलिए यहां पर ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यहां पर इनको फोकस देकर चल रहे हैं। अगर IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से माने तो ये काफी एक तरीके से ये काफी बड़ा कंसर्न है यहां पर। अगर आप लोग देखेंगे आज के डेट में ये जो सब स्पीसीज है, ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में यहां पर आती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से अगर आप बात करें तो शेड्यूल 1 और पार्ट फर्स्ट में यहां पर ये एनिमल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी कई सारे और भी यहां पर जानवर हैं, जैसे यहां पर स्टिप हाइना, ठीक है, इसी के साथ में स्वैम्प डिया और ब्लैक बग, ये आप लोग देख लीजिए, ये भी डिसअपीयर हो चुके हैं बांग्लादेश से रिसेंट डिकेड में। ये है यहां पर आप लोगों के सामने तीनों जानवर जिसका नाम लिया है। ये तो आप लोगों ने कई बार नॉर्मली आप लोग इनको जू वगैरह में देख लेते होंगे, पर लेकिन ये देखने को नहीं मिलता है। तो इनके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड के बारे में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो बात की जा रही है, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर। तो जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम यहाँ पर है, जिसके तहत यहाँ पर प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन और हाइजीन 2000 से लेकर 2017 तक यहाँ पर फोकस देने की बात की गई है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये पब्लिश किया गया है, और ये माना जा रहा है कि लगभग 1.8 बिलियन जो लोग हैं आज के डेट में वो एक्सेस पा रहे हैं बेसिक ड्रिंकिंग वाटर की, यानी कि आज की डेट में जो एक्सेसिबल जो यहाँ पर अवेलेबल और क्वालिटी जो प्रिवेल करती है उसके बेस पर यहाँ पर ये चीजें एक्सेस देखने को मिल रही है। 2.2 बिलियन जो लोग हैं आज के डेट में, यानी कि इससे भी ज्यादा है वो लोग अराउंड द वर्ल्ड, उनको सेफ मैनेजेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है। 4.2 बिलियन जो लोग हैं उनको सेफ सैनिटेशन यानी कि साफ सफाई वाली सर्विस नहीं मिल पा रही है। बाकी 3 बिलियन के करीब आज के डेट में वो हैंड वॉश की फैसिलिटी उनको नहीं मिल पाती है। तो कहने का मतलब ये है जो बेसिक बीमारियां होती हैं उनका बेसिक जो बेस यहां से निकल के आता है, जो आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं। अगर बात करें हमारी कंट्री में, इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से कई सारी चीजों में देखिए हम लोग काफी हद तक अपना काम अचीव कर पाए। जैसे ओपन डेफिकेशन फ्री काफी कम हो चुका है, इंडिया अकाउंट करता है लगभग 2/3, लगभग 650 मिलियन ओपनली जो ग्लोबली डेफिकेट करते थे वो आज की डेट में कहीं ना कहीं कम हो चुका है हमारी कंट्री में 2000 से लेकर 2017 तक। स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2019 में अब की बार जो महात्मा गांधी जी की जो 150वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी उसमें हम लोगों ने बोला था इसको अचीव कर लेंगे, तो काफी हद तक काफी प्रोग्रेस आप लोगों को देखने को मिल रही है।
और अच्छे लेवल पर हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे। बाकी अगर बात करें वोटर सोर्सेज के बारे में, तो पहले लोगों को प्रोटेक्टेड वोटर नहीं मिल पाता था, यानी कि पाइप वोटर नहीं मिल पाता था, तो 79% के करीब था, लगभग 80 आप लोग बोल सकते हैं 2000 में, और आज के में 2017 में 93% हम लोग इसको अचीव कर चुके हैं, यानी कि इस फील्ड में भी काफी अच्छे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो स्टैग्नेटेड है पाइप वोटर के बारे में, यानी कि पाइप वोटर आज के में 44% पर ही यहां पर टिका हुआ है लगभग 17 साल के पीरियड में। तो इसके ऊपर फोकस देकर चलना पड़ेगा कैसे इसको जनता तक पहुंचाना है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हाइजीन, ये 2000 से लेकर 2017 तक का यहां पर ये डेटा तैयार किया गया है, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में यूनिसेफ के बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर देखिए, यूनिसेफ के द्वारा और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर यहां पर इसमें काम किया गया है। तो यूनिसेफ के बारे में अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, गठन जो किया गया था इसका 1946 में इसका किया गया था, और इसी के साथ में जो फाउंड जो यहां पर ये सब्सिडरी है जैसे यूनिसेफ आयरलैंड, ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर बात की जाए, ये है यहां पर हेनरिक H4, ठीक है, तो ये इसके हेड हैं आज में, आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये इसके जो हेड हैं आज के डेट में, तो हेड भी कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो हेनरिटा H4, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं ये इसके बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कई बार जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों से इसके बारे में पूछ ही लिया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये फाउंड की गई थी 1948 में, और जो फाउंडर है इंडिया भी एज इसका फाउंडर मेंबर है। और नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये हेडक्वार्टर हो गया, और हाँ इसके हेड जो है ये टेड्रोस एडहोनम, ठीक है, एडहोनम, तो इनका नाम याद रखते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 6.2 के तहत अगर बोला जाए तो यहाँ पर बात की जाती है सैनिटेशन हाइजीन के बारे में, ये सारी बातें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और खासकर अगर बात करें फीमेल के लिए तो साफ सफाई और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा जो एज कंपेयर टू मेल के कंपेयर में, ठीक है, तो उन पर और ज्यादा फोकस देने की बात यहाँ पर करते हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है खासकर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में। देखिए हमारी कंट्री में एक बात याद रखनी है आप लोगों को, बीटी कॉटन एक ओनली ऐसी क्रॉप है जो हमारी कंट्री में जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है जिसको अलाउ किया गया है खेतों में उगाने के लिए। हालांकि अब तक यहां पर ब्रिंजल और मस्टर्ड यहां पर पास कर दिए गए हैं, जो यहां पर ये जो यहां पर कमेटी है जो बेसिकली सिर्फ फोकस देकर चलती है, पर लेकिन हमारी कंट्री की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने अब तक इसको क्लियर नहीं किया है। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये कमेटी कौन सी है, ये यहां पर है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो इसके द्वारा यहां पर अप्रूव कर दिया गया, पर अब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। यहां पर जो यूज किया जाता है, आप लोगों ने बीटी जो यहां पर बीटी कॉटन की बात करते हैं तो इसको ये यहां पर बोलते हैं बैक्टीरियम बेसिलियस थ्रिनजिनिसिस, ठीक है, तो इसका नाम याद रखते हैं। यहां पर ये क्राई 1AB और यहां पर क्राई 2BC, ये दो यहां पर जीन है जो यूज किए जाते हैं सोयल से, और यहां पर ये कॉटन जो सीड होता है यहां पर उसके अंदर इसको डालकर इंसर्ट किया जाता है ये दो जीन को, ताकि देखिए इसको एक जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीन इसके चेंज किए जाते हैं तब जाकर ये ऐसी क्रॉप बनती है, ताकि अगर कल को आगे चल के इस पे जो पिंक बोलवर्म होता है जो भी यहां पर नुकसान पहुंचाने वाला होता है जिसको हेलोथिस बोलवर्म भी बोलते हैं आप लोग, तो ये यहां पर इसके ऊपर अटैक करे तो इसके ऊपर इंपैक्ट न पड़े, ठीक है, बल्कि ऐसा होता है कि इंपैक्ट काटता है तो काट के इसको मर जाता है, तो इस तरीके से यहां पर चेंज करने की कोशिश की गई। तो ये हाइब्रिड है हमारी कंट्री में जो यूज किया जा रहा है कॉटन के फील्ड में। बाकी अगर बात करें कई सारे जो यहां पर किसान है, किसानों के द्वारा अभी यहां पर 1000 किसानों के द्वारा अब तक जो अप्रूव भी नहीं किया गया कॉटन मॉडिफाइड वैरायटी, दूसरी वैरायटी है जिसको यूज किया जा रहा है खेतों में, ये है यहां पर हाइब्रिड टॉलरेंट वैरायटी जिसको यहां पर HTBT बोला जा रहा है। तो HTBT यहां पर जो जीन है CP4EPSPS, तो ये इसका जीन है यहां पर जिसको मॉडिफाइड कर यहां पर यूज किया जाए। बेसिक पर्पज क्या है, जो अभी हम लोगों ने बीटी कॉटन जो नॉर्मल यूज करते हैं उसमें जो ये अपना जो खाद वगैरह यूज डालते हैं यहां पर डी वीड कॉस्ट जो रहती है इनकी वो कम हो जाती है, इनके जो यहां पर आज के में जो भी खाद वगैरह जो यूज करते हैं हर्बिसाइड वगैरह जो यूज करते हैं जिसको ग्लाइपोफॉस्फेट इसे आप लोग देखते हैं यहां पर ये GLYPHOSAT, ठीक है, तो ये यहां पर जो आज के डेट में जो स्प्रे है ये स्प्रे जो होता है आसानी से जो ये वाली जो क्रॉप है इनमें यहां पर यूज हो जाता है और ये सस्ता भी है। बाकी अगर बीटी जो कॉटन है दूसरे वाली हम लोग यूज करते हैं वहां पर ये यूज नहीं हो पाता, तो इनको क्या करता है जो कुछ अगर कीट पतंगा लड़ता है उससे बचाने के लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। पर लेकिन बुरी बात यहां पर ये है जो ये HTBT है यानी कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट यहां पर ये वैरायटी है बीटी कॉटन की, ये अनसेफ है कंज्यूम करने के लिए, पर लेकिन किसान अपनी कॉस्ट के चलते इसको यूज करने की बोने की खेतों में लगाने की बात करें जो कि खतरनाक साबित हो सकती है आने वाले टाइम में, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा ये न्यूज में है।
आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट और इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉरी पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये जो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात की जा रही है, जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और इसी के साथ में जो इनको सक्सेड किया गया था ये गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर हुआ करते थे। भारत रत्न इसको इनको 1955 में दिया गया और इसी के साथ में पंडित नेहरू के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। और खासकर जो एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, क्यों इन्हीं के नाम पर यहाँ पर बाल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है जो कि 14 नवंबर को आप लोगों को देखने को मिलता है। अमार चित्रा, ये अमार चित्र कथा में इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया बोला गया है। तो ये कुछ बातें इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। अच्छा, इनके द्वारा बड़ी फेमस ये किताब है जो मानी जाती है इनके द्वारा जेल में लिखी गई थी, उसका नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम बता सकते हैं। आइए अब एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, फिर आज का क्विज होगा आप लोगों के सामने। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की ये थे आप लोगों के सामने क्विज वगैरह। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की ये फेसबुक के द्वारा जो करेंसी लिब्रा लॉन्च की जा रही है उसके बारे में और कौन इसको यहाँ पर टैकल करना है वो जाना। क्यूएस रैंकिंग में हमारी कंट्री की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है और कौन कौन सी रैंकिंग क्या क्या है वो डिटेल में जानी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने ये हाइड्रोथेरेपी के बारे में जाना जो कि मथुरा में आप लोगों को देखने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओलंपिक अभी हो रहे हैं उसके बारे में जानने को मिला, कैसे टैकल करना है ये समझा जा रहा है, जो गर्मी वगैरह है। ड्रिंकिंग वाटर में क्या प्रोग्रेस है हमारी कंट्री की वो हम लोगों ने समझी, डिटेल में ये सारी बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो ग्रे वुल्फ है उसके बारे में जाना और भी कई सारे ऐसे जानवर को जानने को मिला जो कि यहाँ पर आज के डेट में खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट जो बात की गई यहाँ पर ये बीटी कॉटन के बारे में जाना, किस तरीके से क्या क्या चुनौतियां हैं और नया जो यहाँ पर जिसको HTBT बोला जा रहा है ये वैरायटी किसान क्यों यूज करें सस्ते की वजह से ये भी हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। इसके अलावा यहाँ पर रिविजन है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, तो ये 11वीं की NCERT हमारी चल रही है, इसको जाकर आप लोग देखते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा या फिर टेलीग्राम से जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे बच्चे PDF की बात करें तो PDF आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाती है, जो ये है फेसबुक पेज और टेलीग्राम, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। फेसबुक के द्वारा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है, जो कि 2020 में इसको स्टार्ट करने की बात की जा रही है। जो रैंकिंग हमारी स्टार्ट की गई है, जो हमारी जो वर्ल्ड में जो टॉप पर है वो है MIT। हमारी कंट्री में वर्ल्ड में टॉप पे कौन है उसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और टोटल 1000 में से कितनी हमारी यूनिवर्सिटी है जो टॉप पे है, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली फर्स्ट हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट एलिफेंट जो एक प्लांट बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये यमुना रिवर पर किस सिटी के किनारे यहाँ पर ये है, ये आप लोग किस सिटी है यहाँ पर ये यमुना रिवर के किनारे जहां पर ये बनाया जा रहा है। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं आप लोग यहाँ पर ये बताने कि एक्सपेक्टेड जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो कितना रहने वाला है, जिसके तहत यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट मॉनिटरिंग जो प्रोग्राम है यहाँ पर खासकर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, किसके साथ मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको तैयार किया है ये आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, 2000 में लगभग 79% मिलता था, अब कितने परसेंट मिल रहा है ये आप लोगों को बताना है। ओनली कौन सी ऐसी क्रॉप है हमारी कंट्री में जिसको अब तक अलाउ किया गया है बीटी कॉटन के थ्रू, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए। और देखिए आप लोगों से जो चीजें रिविजन करने के लिए बोली जाती है उनको रिवाइज जरूर किया कीजिए, खासकर अपना कोशिश कीजिए कि आज का लेक्चर सुनना है तो कल का रिवाइज कर आप लोग आइए, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।